दोस्तों जब से व्हाट्सएप ने अपना एक नया फीचर को लॉन्च किया है तभी से लगभग सभी लोगों के फ़ोन में ये समस्या दिखाई दे रही है, व्हाट्सएप अपडेट। ये अपडेट वाली समस्या से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, आइए हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले अपना व्हाट्सएप एप्लीकेशन को चालू कर लेना है, तो चलिए हम अपना भी व्हाट्सएप एप्लीकेशन को चालू कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर व्हाट्सएप एप्लीकेशन को चालू करने के बाद यहाँ पर 3 डॉट दिखाई दे रहा है, इस 3 डॉट पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन आ जाता है, हम सेटिंग पर क्लिक कर देंगे। सेटिंग पर क्लिक कर देने के बाद चैट्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस चैट के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। चैट पर हम क्लिक कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पर सीधे आ जाना है चैट बैकअप पे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चैट बैकअप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। चैट बैकअप के ऑप्शन पर जब हम क्लिक कर देंगे तो सीधे बैकअप का ऑप्शन दिखाई देगा, इस बैकअप के ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इससे आप सभी को ये फायदा होगा कि जो नया वाला व्हाट्सएप होगा पुराने वाले व्हाट्सएप का सभी नंबर और सभी चैट नया वाला व्हाट्सएप में चला जाएगा। इसके बाद सीधे आपको बैकअप हो जाना है, तो सीधे यहाँ पर बैकअप चले आना है। बैकअप चले आने के बाद अपना क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन को चालू कर लेना है। क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन को चालू कर देने के बाद यहाँ पर हम सर्च करेंगे व्हाट्सएप ओल्ड वर्जन। व्हाट्सएप ओल्ड वर्जन यहाँ पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ और मेरे व्हाट्सएप ओल्ड वर्जन यहाँ पर चालू हो गया। दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट वाले ही लिंक पर मैं क्लिक करेंगे और यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि व्हाट्सएप पर यहाँ पर कई सारे वर्जन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे कोई भी डाउनलोड नहीं कर लेना है। यहाँ पर 14 सितंबर से पहले वाला जो व्हाट्सएप एप्लीकेशन है उसे ही मुझे डाउनलोड करना है। तो देखते हैं 14 तारीख से पहले वाला जो भी एप्लीकेशन है उसे ही डाउनलोड करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक 13 सितंबर का व्हाट्सएप एप्लीकेशन है, इसे ही मुझे डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर इसे डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दे दिया है, यहाँ पर मैं डाउनलोड कर देंगे। डाउनलोड कर लेने के बाद यहाँ पर मैं सीधे सीधे बैकअप आ जाता हूँ। बैकअप आ जाने के बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर पुराना वाला व्हाट्सएप एप्लीकेशन है, इसे मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। रिमूव कर देने के बाद मेरा नया वाला व्हाट्सएप एप्लीकेशन जो आएगा उसे मैं ओपन करेंगे। ओपन करने से ये होगा कि पुराने वाले व्हाट्सएप एप्लीकेशन में जो भी चैट मेरा किया गया है वो चैट मेरे नया वाला एप्लीकेशन में वापस चला आएगा और अपडेट वाली ये समस्या आपका सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आपने नया वर्जन वाला व्हाट्सएप एप्लीकेशन यूज कर रहे थे, अब आप पुराना वर्जन वाला व्हाट्सएप एप्लीकेशन यूज करने लगे हैं। आई होप कि आप सभी को ये हमारी वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिए।